जनरल कोच का टिकट लेकर क्या स्लीपर कोच में आप यात्रा कर सकते हैं? ऐसा ख्याल आपके मन में जरूर आया होगा। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे, आइए पता लगाते हैं। हम में से अधिकतर लोगों ने जनरल कोच और स्लीपर कोच में सफ़र किया होगा, और यह अच्छी तरह जानते हैं कि जनरल कोच का सफ़र काफ़ी भीड़ भाड़ भरा होता है, वहीं स्लीपर कोच का सफ़र जनरल कोच के मुकाबले काफ़ी आरामदायक होता है। लेकिन कई बार पैसों की कमी या टाइम की कमी के कारण हमें जनरल कोच का टिकट लेना पड़ता है। यदि हम जनरल कोच की टिकट पर स्लीपर कोच में चढ़ जाएं तो क्या होगा, इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने जनरल कोच का टिकट लिया, वो आप जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे, आपकी ट्रेन चल पड़ी तो आप भाग कर पास वाले स्लीपर कोच में चढ़ गए, तो क्या ऐसे में आपको फ़ाइन देना होगा? इसे अगर रेलवे के रूल के हिसाब से देखा जाए तो आपको फ़ाइन देना होगा। अगर आप चुपचाप किसी भी सीट पर बैठ जाएं और अपनी यात्रा कंटिन्यू रखें तो टीटी द्वारा पकड़े जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप स्लीपर कोच में चढ़ जाएं और खुद ही टीटी के पास जाकर उसको अपने सारे सिचुएशन बता दें तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि टीटी आपसे फ़ाइन नहीं लेगा। टीटी आपसे यह कह सकता है कि आप अगले स्टेशन तक स्लीपर कोच में यात्रा करो, उसके बाद अगले स्टॉपेज पर उतरकर आप अपने कोच में चले जाएं। हालांकि यह सब ऑन ड्यूटी टीटी स्टाफ पर ही डिपेंड करता है कि वह क्या फैसला लेगा, पर खुद बताने पर इस बात की पूरी उम्मीद है कि आपसे किसी प्रकार का फाइन नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो का यहाँ पर अंत होता है। आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।